फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युसब्बिहूना बनाकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो मां थी तो परेशान भी हो गई, उनकी हमशीरा को कहने लगी जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का जौक होता है, आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहां आ गया है, तू ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से आया, रख ना ले रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिर कहने लगा दौड़ के ला। तो अपनी वालदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज़ लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घोंसा दे मारा, जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए, वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्होंने कहा इधर नहीं जाना आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना, अगर वो इतना ही ख्याल होता वही बच्चा होता तो आग। और बाद मुफस्सरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना रब्बी शराह ली सदरी वया सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात कर सकूं। वही हजरत मूसा पलने लगे, वही पले, वही जवान हुए, वही अल्लाह ने सारी दौलतें दी, बहन भी मिली, माँ भी मिली, और सारे अजीजों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। तो मूसा फिर फिरौन के घर में पलने लगे, और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहां जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहां तक कि उसने आपको निकाल दिया
आप तशरीफ ले गए वहां से। तो हजरत मूसा एक दिन शाम के वक्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फिरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन वो जो हजरत मूसा की बनी इसराइल की कौम का शख्स था, उस पर वो कब्ती, वो जो फिरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था और बोझ उठाने की बात कर रहा था। अब उसने हजरत मूसा को पुकारा कि देखे मेरे साथ किस तरह की बात कर रहा है। तो हजरत मूसा का इरादा भी नहीं था, आपने बस उसको समझाया, पर कुछ लोगों को समझ। तो हजरत मूसा ने फिर एक मुक्का मारा, एक घोसा मारा, सिर्फ एक ही, एक ही। ये कई तगड़े और दलेर इस तरह के भी होते हैं कि घोसा एक भी बर्दाश्त नहीं करते। वो एक मारा, आदमी धड़ाम से जमीन पे गिरा और मारी गया। हजरत मूसा का इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अपने रब से इस्तग़फ़ार भी फरमाई। कुरान कहता है कि उन्होंने माफी चाही, अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हजरत मूसा दोबारा आए। वो सुना करते थे ना हम कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। वो कम अज कम दुश्मनी तो अकलमंदी से करता है ना, लेकिन जो बेवकूफ दोस्त हो, बेवकूफ। हजरत मूसा दोबारा आए तो वो बनी इसराइली अगले दिन किसी और से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा तो हजरत मूसा कहने लगे, मुझे लगता यह है कि तेरी आदत है, तो खुद बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज नया झगड़ा शुरू किया होता है। हजरत मूसा जब उसकी तरफ बड़े ना डांटने के लिए, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया। कहने लगता जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था, मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चलेंगे वो राजी रहता है, और जरा आप उसकी तबीयत से हटते हैं तो वो शोर करता है। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता है मारेंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया, तो बात फिर फिरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो, पकड़ो और माज़ अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके खबर दी कि आप जहां से हिजरत कर जाएं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फला आदमी के हक में फलां लगा, हालात कैसे खराब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई? ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखसूस एक खातून ने एक दफा मुझे पैगाम दिया, तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज सुनने को मिलता है, तो इतनी अच्छी होती तो वहां ना रह लेती। तो भाई ये को ताने वाली बात है, को जरूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादियों को अबू लहब के दो बेटों ने तलाक भेज दी थी, किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहां क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहां फिरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हजरत मूसा जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे, और दो खवातीन है वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हजरत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर, मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे तो और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे, वो घुसते जाते थे, और औरतें बेचारी खड़ी थी। हजरत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो, उन दो खवातीन पाकबाज औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर आप दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबियां जल्दी जल्दी घर गईं, जाके अपने वालिद से कहने लगी अब्बा जी कमाल हो गया, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ,
कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं, लेकिन जमूर ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमा बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे, आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फौरन ही फरमाने लगे, अगर आप हमारे घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे, तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूंगा। तो 8 से 10 साल हजरत मूसा ने वहां क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में ना ठंड ज्यादा हो गई, तो अपनी जोजा से कहने लगे, वहां आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूं ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहां गए तो दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को वहां वही आनी शुरू, वहां वही अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अजदहा बनता था। रब करीम ने वही हजरत मूसा कलीम को वही यदे बैसा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चांद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता। तो फिर हजरत मूसा वहां से वापिस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निजाम जिंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लाया हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मुजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पे डाला, अपना आसा, अपनी छड़ी, अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो एक वाज़े अजदहा बन गया। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माजल्ला, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय करना है, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं क्योंकि उनका खुद अवाम से राबता नहीं रहता। अगर वो खुद अवाम के साथ डायरेक्ट राबता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ सुथरी चीजें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या दोगे तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूंगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना आसा जमीन पर डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा था। फरमाया आप भी अपना आसा जमीन पर डालें। वो आसा सांप बना और जादूगरों की सारी चीजों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही आसा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मौजज़े की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिंत से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा, मेरी बगैर इजाजत ईमान ले आए हो, और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो? फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सबर और इस्तकामत की दुआ की।
इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने की और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सब्र की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए। यहाँ एक लतीफ बात हमारे सूफिया ने भी लिखी है। सूफिया कहते हैं कि फिरौन ने कलमा नहीं पढ़ा पर जादूगर कलमा पढ़ गए। वो किस तरह कलमा पढ़ गए? तो कहने लगे दरअसल उन्होंने आते ही हजरत मूसा का अदब बड़ा किया था। जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में आके भी उनसे कहते हैं कि रस्सियां आप पहले डालेंगे कि हम डालें, आप ऐसा पहले रखेंगे कि हम रखें। तो इतना सा अदब किया तो रब करीम ने फरमाया जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, और जो नबी की बेअदबी करे वो ईमानदार नहीं रह सकता। खत्म हो गई बात। यहां हमारे सूफिया ने ये बात लिखी है कि चूंकि उन्होंने आते ही कहा था कि आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें, तो हजरत मूसा से उन्होंने पूछ लिया, नबी के पूछे बगैर पहल नहीं की, तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर। अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फिरौनियों का तरीका यह था कि अच्छाई को अपना कमाल कर दानते थे, कहते थे ये हमारी तरफ से, और बुराई को माजल्ला बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे, कहते थे माजल्ला आपकी वजह से यह सारा कुछ हो रहा है। होते ना नहीं कहते जब से मैं वहां गया हूं तब से। हमारे बुजुर्ग एक लतीफा भी सुनाया करते थे कि किसी जिमीदार ने नमाज पढ़नी शुरू की थी तो उसके जानवर मरने शुरू हो गए। अब लोग समझते हैं कि माजल्ला शायद ये किसी बुजुर्ग के सबब से ऐसा है, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर आजाब क्या नाजिल किया? आयत नंबर 130 और 143 का भी आप सूरह आराफ की पढ़ें तो अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का, जुमों का, मेंढकों का और खून का आजाब नाजिल किया। ये किस किस्म का आजाब है? जुमे पड़ गए, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने आजाब नाजिल किया। जब वो आजाब में मुबतला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये आजाब टल जाए, अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आजाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब आजाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से फिर गए। बनू कुरैज़ा वालों ने भी कई दफा हुजूर से वादे किए पर अपने वादों पर कायम। एक बात आपसे यहाँ रोक के अर्ज कर दूं, हम भी कई दफा कहते हैं जरा ब्रेक कभी गाड़ी की नहीं ना लगती तो हम इरादा करते हैं कि आज से ही नमाज शुरू कर देनी, जरा तबीयत ज्यादा लील होती है तो इरादा करते हैं ना कि भाई आज के बाद हमने नेक, फिर क्या होता है शिफा हो गई तो छुट्टी हो गई। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो कुफार का तरीका बयान किया ना कुरान पाक ने। यहां फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजात दे दी तो अपने वादे से मुकर गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समुन्दर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए भी ये खुदा बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत परस्ती करने वाले जाहिल है। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले, बुत पूछते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर जाके वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हजरत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने नहीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते हैं और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुठलाते हैं इनके अमाल बातिल हैं,
फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कबर है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया, फटाफट माना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पर डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे मां जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे मां जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाते इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे। ये उन्हें